बाइक के बहुत ज़्यादा नरम शाख को हार्ड किस तरह किया जाता है, इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताएंगे और इसमें कौन सा टूल यूज़ होता है। और ये आपके सामने हमने अभी इसके शाख एडजस्ट किए और आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू दोस्तों, ये बाइक है, इसके शाख ये देखें बहुत ज़्यादा नरम है। तो ये बाइक जो है इसके शाख नरम होने की वजह से ये मगराट जो है टायर के साथ भी लगता है। इसके अलावा ये जब खड्डे में लगते हैं तो टक की आवाज़ करते हैं। तो आज हम इनको ठीक करेंगे, किस तरह ठीक करना है आज पूरी डिटेल से ये वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने इसके शाखों को थोड़ा सा हार्ड करना है ताकि ये जो है सही काम करे। तो दोस्तों इसका एक इस तरह की आपके पास गोल सन्नी होनी चाहिए या आपके पास इसकी एक चाबी भी आती है, चाबी होनी चाहिए। ये टूल्स आपके पास नहीं है तो इसको आप ऊपर इस तरह उठा के भी स्प्रिंग को जो है वो इसको टाइट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये मौजूद है तो मैं इससे इसको टाइट करता हूँ। तो ये फर्स्ट पे है, ये देख लें इधर आए भाई। अच्छा तो दोस्तों ये जो है इसकी फर्स्ट पे है, हमने इसको टाइट करना है। अभी ये मैं इसको इस तरीके से पकड़ूंगा, इसको जो है ये टाइट करूंगा। ये दूसरे पे आ गई, अभी हम इसको तीसरे पे करते हैं, अभी हम इसको चार पे कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं इसके शाख। तो इसको हमने चार पे कर दिया, अभी हम दूसरी साइड के भी करते हैं। हाँ जी, तो दोस्तों ये भी देख सकते हैं, ये भी फर्स्ट पे है, इसको भी हमने बिल्कुल बैलेंस इसका बराबर रखना है, ठीक है। चार पे इसको कर दिया, इसको भी चार पे कर दिया, उसको भी। अभी हम शाख, जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बाइक के शाख जो है हमने एडजस्ट कर लिए हैं दोनों साइड के शाख। अभी हम शाख को दबा के चेक करेंगे कि बाइक के शाख जो है हार्ड हुए हैं या नहीं हुए, या पहले की तरह ही है नरम है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके शाख बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, पहले इसके शाख जो है बहुत ज़्यादा नरम थे, अब बिल्कुल इसके शाख फिट हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।